हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बेस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करने जा रही हूं। और काफी कमाल का फाउंडेशन है। मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप इसे एक बार परचेस कर लेते हो ना, तो 3 साल तक आपको और कोई फाउंडेशन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पर्सनली यूज अपने लिए करना चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन है और काफी ब्रांडेड भी है। बहुत ही कमाल का फाउंडेशन है। फुल कवरेज आपको देता है और बिल्कुल मैट लुक देता है। 24 आवर तक आपकी फेस पे ये इजिली स्टे करता है। वाटरप्रूफ है। तो बहुत सारी इसकी चीजें हैं, बहुत कमाल की हैं। अगर आपके घर में शादी और आप दुल्हन के लिए बेस्ट फुल कवरेज फाउंडेशन ढूंढ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा फाउंडेशन ले, कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। ये वीडियो आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगी और ये फाउंडेशन आप जरूर परचेज करें। तो चलिए, मैं आपको आगे की वीडियो में साथ में डेमो में करके बताने वाली हूँ कि ये फाउंडेशन की कवरेज कैसी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस फाउंडेशन की मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ ना, वो ये वाला फाउंडेशन है। ये है लॉरियल का इनफेनिबल फाउंडेशन और ये आपकी फेस पे 24 आवर तक स्टे करता है, जैसा कि कंपनी यहाँ पे क्लेम करता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसकी प्राइस 1400 रुपीज़ है, बट आपको ये ऑनलाइन 1200 रुपीज़ में अभी मिल जाएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे ऑफर चलते रहते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है वो 30 ml है और 3 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इस मेरा जो यहाँ पे सेड है वो गोल्डन सैंड है 200, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से कोई सा भी सेट परचेस कर सकते हो। तो ये फाउंडेशन इतना कमाल का फाउंडेशन है, मुझे लगता है कि ये बेस्ट एवर 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 फाउंडेशन है। मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ और ये मुझे लगता है कि इससे अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन और कोई नहीं हो सकता। बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आप एक अच्छे ब्रांड में जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो, काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको अभी से दिखा दूँ किसकी मतलब कवरेज कैसी है, जिसकी मैं इतनी तारीफ किए जा रही हूँ। और इसका जो आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्लास बॉटल में मिल जाता है और पंप के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे कैप दी रखी है और ये पंप काफ़ी सारा मैंने यूज़ कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आधा हो गया ये। और ये पंप से आप निकाल सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितने प्रोडक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट, बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लेना है और ये थोड़ा सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इजिली ब्लेंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आपको अपने चिक्स के ऊपर ब्लेंड करके से दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं आपको अभी पहले अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कवरेज, कमाल की कवरेज है। बस इतनी समय ने लिया इसे और इसकी कवरेज आप देख सकते हो। आप इधर की देख सकते हो यहाँ पे और आप इधर पे देख सकते हो, कितना अच्छा सा कवरेज है। अगर मैं इसे प्राइमर, मॉइस्चराइजर, टोटल सीरम करके अगर फाउंडेशन तब अप्लाई करती तो आप सोच सकते हो फ्रेंड्स ये कितना ज़्यादा अच्छा कवरेज देती। आप चाहो तो इसे फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फिंगर की हेल्प से करके आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि ये कितना ज़्यादा ब्लेंडेबल है और कितना इजिली ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी कवरेज देख सकते हो और ये जब तक सेट होगा ना, ये इसकी कवरेज और भी उभर के आएगी और ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप इसे दुल्हन के ऊपर लगाओगे ना, तो फ्रेंड्स मैं कह नहीं सकती, सब पूछेंगे कि आपने लगाया क्या है। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। अब मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर दूंगी और यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो भी लॉरियल का ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, कवरेज काफ़ी अच्छी है और आप इजीली इसे बाय कर सकते हो। आपको नाइका पे, अमेजोन पे, ये कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हो, इसलिए ये कहीं भी अवेलेबल है।
तो मैं आपको फेस के एक साइड पे पूरा इसे अप्लाई करके दिखा दूं कि ये कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इतना सा प्रोडक्ट लिया और इसे मैं अब अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी ताकि आपको अच्छे से अंतर दिख पाए। मैं इसे फेस के एक साइड पे अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन को आप जब भी मिक्स ब्लेंड करोगे, आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने फिंगर की हेल्प से कर सकते हो, बट फिंगर की हेल्प से करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह मैं डैब डैब करके कर रही हूँ और कितनी अच्छी इसकी फिनिश आई है। और बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लगा रखा है। और दुल्हन है फ्रेंड, और अगर दुल्हन है तो फिर उन्हें तो ज़्यादा की जरूरत होती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ओवर मेकअप किया रहता है। इसके ऊपर अगर मैं ब्लशर लगाऊं, हाइलाइटर लगाऊं, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा ये फिर। और आप इसकी कवरेज यहाँ पे देख सकते हो, और आप इधर की कवरेज देख सकते हो। इधर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, और इधर की जो मैंने अप्लाई किया है बिना प्राइमर बिना मॉइस्चराइजर के अप्लाई किया है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस, बिल्कुल आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। और मैं ये कह सकती हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे अच्छा फाउंडेशन कोई लगता ही नहीं है। अगर मैं बाय करना भी चाहूँगी अगेन तो मैं इसे ही बाय करूँगी, कोई दूसरा प्रोडक्ट बाय नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरा बेस्ट एवर फाउंडेशन है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।